नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इंडिगो पेंट का Q2 का रिजल्ट को लेकर। चालू मार्केट में इनका ना Q2 का रिजल्ट आ चुका है और इस जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, इसमें ना कोई भी अपडेट नहीं आया है। सिर्फ एक अपडेट आया चेंज इन मैनेजमेंट को लेकर। मिस्टर अभय कुमार पांडे को जो है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे नियुक्ति किया गया। और बोनस, स्टॉक स्लिपिंग, डिविडेंड को लेकर बात करें तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो डायरेक्ट समझते हैं कि Q2 का रिजल्ट कैसा आया है सितंबर के मंथ का। तो देखिए, कंपनी जितना भी रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखा रही है वो रुपीज़ इन लैक्स में सारे नंबर्स। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेकर चालू करते हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है इस क्वार्टर में जो है 29,000 करा है, पिछला क्वार्टर में 31,000 करा है और पिछले साल जो था वो एक साल पहले वो 27,000 करा है। तो यहाँ पे जो है ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है और ये जो बढ़त है ना वो 26% का है। और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे जो है 10% का ना रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को लेकर बात करें, टोटल एक्सपेंस को, तो इस क्वार्टर में जो है 27,409 का रहा है और पिछले क्वार्टर में 27,948 का रहा है और पिछले साल 24,872 का था। तो मतलब ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे जो है यहाँ पे 10% का ना एक्सपेंस कंपनी को बढ़ते हुए देखने को मिला है और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक्सपेंस ना क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम किया है। प्रॉफिट को लेकर बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट हुआ है 2,225 करोड़ का हुआ है और पिछले क्वार्टर में 2,665 करोड़ का हुआ है और पिछले साल जो था वो 2,526 करोड़ का हुआ है। मतलब ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे 13% का प्रॉफिट इनको देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा। और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 19% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं EPS को लेकर, तो अर्निंग पर शेयर को लेकर, तो यहाँ पे इस क्वार्टर में 4.76 का रहा है, पिछला क्वार्टर 5.50 और पिछले साल की बात करें, एक साल की बात करें तो 5.33 का रहा है। ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे रिजल्ट इनका जो है ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे रिवेन्यू जो है वो 26% बढ़ा है और एक्सपेंस जो है 10% बढ़ा है और प्रॉफिट जो है 13% बढ़ा है। क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो 10% का रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रहा है, एक्सपेंस में 2% का गिरावट है जो कि अच्छी बात है और प्रॉफिट में जो है 19% का गिरावट है। तो मतलब यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे पुअर रिजल्ट है, ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक रिजल्ट है। तो चालू मार्केट में रिजल्ट आया है तो 1% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है, मगर एक चीज़ को अच्छा देखने को मिल रहा है वो है क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिरते हुए देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो इंडिगो पेंट हो, एशियन पेंट हो, सभी भागने लग जाते हैं क्योंकि मेन रॉ मटेरियल रहता है क्रूड ऑयल। तो चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बस को रिकमेंडेशन ही है। जय हिंद।